आप देख रहे हैं सीरियल से जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा आप सभी को कि सुमन को मनाने तीर्थ पहुंचेगा यहाँ पर उसके घर और पीछे पीछे देविका के साथ माँ भी पहुँच जाएगी तीर्थ की जी हाँ होने वाला है शो में बहुत बड़ा तमाशा शो में दिखाया जाएगा कि जैसे ही पता चलेगा तीर्थ को कि सुमन नाराज होकर अपने घर चली गई है वैसे ही फौरन जाएगा वो सुमन को मनाने के लिए जहाँ पर सुमन तीर्थ के साथ जाने से मना कर देगी वो कहेगी कि मेरा घर यही है तीर्थी आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लेकिन अब मैं इससे ज्यादा आपका साथ नहीं दे पाऊंगी तीत कहता है कि ठीक है अगर ये बात है तो मैं भी कहीं नहीं जाने वाला इधर दिखाया जाएगा कि देखते ही देखते यहाँ पर तीत की माँ और उसकी भाभी भी आ जाती हैं जो कि तीत को वापस घर चलने के लिए कहती हैं तीत कहता है सुमन से कि अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी घर वापस नहीं जाऊँगा जब सुनने के बाद यहाँ पर सुमन और उसकी जो सासू माँ है वो एक दूसरे के साथ में क्लैशिश करते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि अगर ये लड़की हमारे घर नहीं आएगी तो क्या तुम भी घर नहीं आओगे तीर्थ आकर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है दो दिन बाद दिवाली है क्या तुम हमारे साथ दिया नहीं जलाओगे ये सारी बातें सुनकर सुमन भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट है कि उसे तीत को अपने साथ नहीं रखना और तीर्थ उसके बिना जाने को तैयार नहीं है इतना ही नहीं देविका भी यह मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहती है तीत से कि चाहे जो हो जाए मैं अब आपकी ज़िंदगी में नहीं रह पाऊँगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली में रहना है अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि सुमन को मनाने पहुंचा तीर्थ क्या वाकई में अपनी मनाने की कला दिखा पाएगा क्या वो उस कामयाब हो पाएगा सुमन को वापस घर ले जाने में क्योंकि ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि गलत फहमी ही सही लेकिन सुमन के दिल दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी है कि शायद कृतिका और तीर्थ एक दूसरे से प्यार करते हैं आगे कैसे होगा सुमन का कन्फ्यूजन क्लियर देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए फेसबुक पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं